मैम स्टार्ट। गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। सिक्स क्लास आज हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। तो हमारा जो चैप्टर है सिक्स चैप्टर, उसमें क्या है, चेंजेस अराउंड अस। ठीक है, हमारा उसमें है चेंजेस अराउंड अस। चेंजेस अराउंड अस के का मतलब क्या होता है, हमारे आसपास जो भी चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है, उसको बोला जाता है चेंजेस अराउंड अस। डेली यूजर्स में भी आप देखते होंगे कि किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं। सबसे पहले मैं एग्जांपल लेती हूँ कि आप सब ने बैलून तो फुलाया होगा, ठीक है। yes, बैलून फुलाते हो ना सभी, बैलून फुलाते हो फिर वापस उसको छोड़ देते हो, उसमें से हवा निकल जाती है तो वापस उसी पोजीशन में आ जाता है बैलून। ठीक है, तो ये इस तरीके का चेंज क्या कहलाता है, रिवर्सिबल चेंज। इस तरीके का चेंज क्या कहलाएगा, रिवर्सिबल चेंज, रिवर्स चेंज। ठीक है, आपके बुक में भी है 6.1 रिवर्स चेंज। तो जैसे अभी ये पेपर ही ले लेते हैं हम, ठीक है, ये क्या है हमारे पास पेपर, इस पेपर को हम फोल्ड कर देते हैं। ये देखिए, इसकी हम काफी फोल्ड कर देते हैं, इसको फोल्ड करके हमने इसको छोटा कर दिया, ये भी चेंज हो गया। ठीक है, ये भी क्या हो गया, चेंज हो गया। अब इसको हम कहेंगे वापस उसी पोजीशन में ले गया तो क्या आ सकता है जैसे पहले था, आ सकता है। हम इसे खोल देंगे, ये देखिए, ये वापस उसी पोजीशन में आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिवर्स चेंज, क्योंकि वापस उसी पोजीशन में आ जाता है, जो चीज वापस उसी पोजीशन में आ जाती है उसे बोला जाता है रिवर्स चेंज। और जो चीज उसी पोजीशन में नहीं आती, जैसे ये है पेपर, ये हमारे पास एक बाउल है चैनल, ठीक है, छोटा सा पेपर लेते हैं और ये कैंडल है, ये कैंडल को हम बर्न करेंगे तो देखिए हमने कैंडल को बर्न कर दिया। ठीक है, कैंडल को बर्न कर दिया है, इस कैंडल को वापस इसको हम बंद कर देंगे तो हो जाएगी वापस, ये भी क्या है रिवर्सिबल चीज। लेकिन ये पेपर है, इस पेपर को क्या करते हैं, देखिए बर्न हो गया सारा। ठीक है, ये सारा क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। अब ये बर्न होने के बाद मैं आप सभी से कहूंगी कि इस पेपर को वापस उसी पोजीशन में लेके आइए जैसा पेपर था, क्या ये हो सकता है, नो मैम, ये वापस उसी पोजीशन में नहीं आ सकता। तो ये क्या है, इसमें से नया सब्सटेंस बन गया, ये जो नया सब्सटेंस बना है इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाएगा, ये नए सब्सटेंस को, ये जो नया सब्सटेंस बन के तैयार हुआ है इसे क्या बोला जाता है, ऐश। तो नया सब्सटेंस बन गया, पहले ये क्या था, पेपर, बंद करके बन गए ऐश। तो ये जो वापस उसी पोजीशन में नहीं आते उस सब्सटेंस को बोला जाता है इरिवर्सिबल चेंज। अब ये कैंडल है बंद हो गई, वापस वैसी ही हो गई है, तो ये जो चेंजेस है और ये पेपर था हमने फोल्ड करा, ठीक है, और वापस इसको उसी पोजीशन में हम देखो फोल्ड कर दिया, इसको हम कहेंगे उसी पोजीशन में लाओ तो ये वापस उसी पोजीशन में आ जाए। तो ये चीज क्या हो गया, रिवर्स चेंज, रिवर्स मतलब वापस उसी पोजीशन में आना, और ये इरिवर्स वापस उसी पोजीशन में नहीं आता है, तो ये क्या कहलाता है, इरिवर्स चेंज। ठीक है, तो ये चेंज होता है इरिवर्स। इसके बाद आपका सभी ने देखा होगा घरों में मम्मी क्या बनाती है, आटा बनाती है, आटे से रोटी बनाती है, तो आटा जब है आपकी बुक में दिखाया हुआ है, ये देखिए, अरे बेटा ये देखिए मम्मी जो सिंपल आटा होता है उसमें पानी वानी डाल के इसको बनाती है, और वापस आप उसी पोजीशन में लाने के लिए बोला, जैसे पाउडर में होता है वो, तो नहीं आ सकता। ठीक है, वो चेंज क्या हो गया, इरिवर्सिबल चेंज। अगर इस आटे से लोई बनाती है मम्मी, फिर उससे रोटी बड़ा करती है, बनाती है रोटी से वापस उस लोई, मतलब जब तक हम उसे गैस पे नहीं डालते तो उससे वापस उसी पोजीशन में लोई वापस बन सकती है, लेकिन गैस पे पकने के बाद वापस उसी पोजीशन में लाएंगे नहीं आ सकती, तो वो चेंज क्या है, इरिवर्सिबल चेंज।
तो जो चेंज वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है वो क्या कहलाता है? रिवर्स चेंज। और जो चेंज आपस में वापस नहीं आ पाता अपनी पोजीशन में उसको क्या बोला जाता है? रिवर्स चेंज। हेलो माय नेम इज संजना। जोर से बोलो बेटा। हेलो मैम, माय नेम इज संजना एंड अब मैं आपको एक सॉल्यूशन, एक एक्सपेरिमेंट दिखाने वाली हूँ। एंड यहाँ पर हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब है और ये है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, ये सॉल्यूशन कौन सा है बेटा? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो हमने क्या लेना है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है। देखिए, ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आप इस टेस्ट ट्यूब में क्या लेके आओगे? वाटर लेके आओ थोड़ा सा बेटा। चलिए बोलिए। हाय, मेरा नाम दिशा, मैं इनकी हेल्प करने के लिए आई हूँ। कॉपर सल्फेट को हम यहाँ पे निकालेंगे। यस बेटी, निकालो, थोड़ा सा निकालो बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसको कवर कर दीजिए आप। ओके बेटा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया। अब आप इसे टेस्ट ट्यूब में डालिए। पकड़िए बेटा, इसको बाहर निकाल लीजिए टेस्ट ट्यूब को। ऐसे 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 इसको ऐसे करके यहाँ से, ठीक है, पकड़िए, करवाइए। वेरी गुड, सारा डाल दीजिए। यस, अब इसको इसमें मिक्स कीजिए अच्छे से। ऊपर उठा लो बेटा, देखो, सबको देखने दो। फिंगर्स हटाओ संजना। हाँ, वेरी गुड, देखिए। ओके, देखिए बेटा, अब इन स्टूडेंट्स ने क्या करा है, इन स्टूडेंट्स ने क्या करा है ये देखिए, इसमें क्या करा है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, वाटर में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिक्स कर दिया। मिक्स करा तो संजना कैसा कलर हो गया इसका? क्या ये वापस उसी पोजीशन में आ सकता है? नहीं आ सकता। तो ये चीज कैसा है? इरिवर्सिबल चीज। पकड़िए, दिखाइए सभी को, पकड़ के ऐसे दोनों ऐसे। आज हमने करे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चीज। अब तुम आज एक्सपेरिमेंट किया है रिसीवर एंड इनरिसीवर चेंज। ओके, रिवर्सिबल और इनरिवर्सिबल चेंजेस। ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड। आज देखा है आपने, हमारे स्टूडेंट्स ने दो एक्सपेरिमेंट्स करके देखे हमने कुछ, जिसमें रिवर्सिबल और इनरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में आपको समझ में आया होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आई थिंक आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हुआ है व्हाट इज अ रिवर्सिबल चेंज एंड व्हाट इज अ इनरिवर्सिबल चेंज। आप सभी को क्लियर हुआ? यस मैम। यस, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड स्टूडेंट्स, गो टू योर सीट्स।